हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम मानसिंह राठौर है। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं धन एप्लीकेशन का। धन एप्लीकेशन में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से फीचर हैं जिससे हमें ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने में बेनिफिट मिलेगा, या फिर धन एप्लीकेशन हमें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है। और दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको बताया कि धन एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। फिर इसके बाद मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धन एप्लीकेशन में चार्जेस कितने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको धन में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम जानते हैं कि धन एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस कैसा है, हमें यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको धन एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। अभी यहाँ पर होम पेज पर हैं हम, ठीक है। तो होम पेज पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें शो होती हैं, जैसे कि सबसे ऊपर इधर प्रोफाइल शो होगी। प्रोफाइल वाले ऑप्शन को अभी हम ओपन करके देखेंगे। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन बार है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मैंने रेफ़र किया तो मुझे रेफ़र के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। आप जो काम करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। उसके बाद सर्च बार है, आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये SBI का सर्च किया, तो इस तरीके से आप स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद लाइव मार्केट चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पर ऊपर ही शो होने लगता है। यहाँ पर जो इंडेक्सेस हैं तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे इंडेक्स ओपन होके आ जाएंगे। तो आप इनको देख सकते हैं कि कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है। इसके बाद नीचे पोर्टफोलियो शो होता है, तो यहाँ पर ये ऑल आपको दिख जाता है। इसके बाद स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ETF आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि IPO भी कौन सा ओपन है, कौन सा आने वाला है। तो ओपन IPO हेमंत सर्जिकल का आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अभी ओपन है, और रेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ये वाला ओपन है, और ये तीसरा जल्दी ही आने वाला है, ठीक है, जल्दी ये ओपन हो जाएगा। अब नीचे इसमें दिया है इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कौन से एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर किस सेगमेंट में कर सकते हैं ऐसा बोलें। तो आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में कर सकते हैं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं। बॉन्ड्स अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही आ जाएगा, कमिंग सून लिखा हुआ है। इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे इसमें मोर ऑप्शन में आपको मिलता है स्मॉल कैप और स्ट्रेटजी, तो ये आपको आगे भी मिलेगा, इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे। NSE और BSE दोस्तों ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकती है लाइव मार्केट का आपको यहाँ पर डाटा देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आता है मार्केट मूवर्स, मतलब कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो मार्केट को अभी मूव कर रहे हैं। तो मार्केट में गेनर्स, अगर मार्केट हाई जा रहा है तो इन स्टॉक्स की वजह से हाई जा रहा है, या फिर मार्केट में भी ये वाले शेयर हाई जा रहे हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं तो 36 मोर आइटम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये आपको काफ़ी सारे शो होने लगेंगे। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं टॉप लूजर्स, तो टॉप लूजर्स आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अभी हम नीचे जाते हैं, वो अभी दूसरी जगह पर रिडायरेक्ट किया था। दोस्तों टॉप लूजर्स आपको ये यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, और 52 वीक हाई 52 वीक लो, तो ये डाटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया होम वाला पेज। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, तो आप यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टॉक की न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप न्यूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे लोग आपको बोलते हैं ना कि आपको न्यूज से अपडेट रहना चाहिए, तो स्टॉक्स की न्यूज़ हमें मिलेगी कहाँ से? तो जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर तो सुबह आएगा, तो उस टाइम पर हमारे इतने ज़्यादा काम की नहीं रहेगी। तो मार्केट में आप लाइव न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये CA वाला ऑप्शन मिल जाता है, और ये मूवर्स मिल जाता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इंडेक्सेस आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप ग्लोबल मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो ये ग्लोबल के इंडेक्सेस अभी यहाँ पर ओपन हैं, ठीक है। और इसके बाद NSE में आप देख सकते हैं, और BSE में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स आते हैं तो वो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। इसके बाद रिसेंटली आपने कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स ओपन किया है, तो वो डाटा आपको यहाँ पर शो होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो है, आपको इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। अगर आप स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे, ETF, और आप पोजीशन में जा सकते हैं, फंड्स आप देख सकते हैं अपना, आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं।
इसके बाद ये स्मॉल केस है, तो दोस्तों ये आप ये यहाँ पे बना सकते हैं और ये स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर शो होती है। अब दोस्तों हम इसमें चलते हैं, ये यहाँ पर अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं तो ऑल्स में आप यहाँ पर ये सब कुछ भी देख सकते हैं। अब इसमें हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन पर, इसका नाम है ऑर्डर्स। तो दोस्तों ऑर्डर्स में आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस लाइव मार्केट में शो होगा, जो भी ऑर्डर प्लेस किया होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपने कोई बास्केट बनाई है तो वो आपको यहाँ पर शो होगी। फॉरएवर ऑर्डर, फॉरएवर ऑर्डर का मतलब होता है कि आप पहले से सेट कर देते हैं कि अगर इस स्टॉक का प्राइस इतने तक आता है तो इसको मैं ख़रीद लूँगा, चाहे आज आए या फिर कल आए या फिर परसों आए या फिर 10 दिन में आए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। SIP आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ड्राफ्ट में यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस होगा, साथ ही आप यहाँ पर ड्राफ्ट में कुछ अपने स्टॉक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पास्ट ट्रेड आपने कौन से किए हैं वो आपको यहाँ पर शो होते हैं। रिसेंटली आप 15 दिन का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि 15 दिन में ये दो स्टॉक मैंने यहाँ पर खरीदे हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन को ओपन करते हैं जो कि है मनी। तो यहाँ पर आपको फंड से रिलेटेड जानकारी शो होगी कि आपने कितना ऐड किया, फिर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहीं से करेंगे। अगर आप ट्रांजैक्शन की समरी देखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इसमें 30 दिन की ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इससे मैंने कितना विड्रॉल किया है, कितना पैसा ऐड किया है, तो ये जानकारी हमें यहाँ पर शो हो जाती है। अगर आप विड्रॉल देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये विड्रॉल का प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया गया है, या फिर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आपका मनी विड्रॉल भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप जिन लोगों को रेफ़र करेंगे आप QR कोड के थ्रू भी रेफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से नीचे अपना रेफ़र कोड भेज सकते हैं या फिर आप यहाँ से लिंक भी भेज सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि रेफ़र के थ्रू आपने कितना पैसा कमाया है, किस व्यक्ति ने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किया है, तो वो आपको रेफ़र में देखेंगे। ट्रेडर्स डायरी में आपको देखने के लिए मिलता है कि आपने कब प्रॉफिट किया है, कब लॉस किया है। तो आप देख सकते हैं कि 12 तारीख को मुझे लॉस हुआ है और 16 तारीख को प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर से शो हो रहे हैं। इसके बाद कौन से स्टॉक से डिविडेंड आपको मिला है, अगर मिला है तो यहाँ पर शो होगा, मुझे नहीं मिला है तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। IPO कौन से ओपन है, तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही नेक्स्ट स्टेप है बैंक अकाउंट का, तो आप यहाँ पर मल्टीपल अपने बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, उससे आप फंड ऐड कर सकते हो, उसमें आप फंड विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक ही ऐड किया है। अब हम बैक होकर चलते हैं होम पर। अब दोस्तों हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्राइस अलर्ट। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी स्टॉक को बाई करना चाहता हूँ और आज अभी के टाइम पर उसका रेट चल रहा है 99 रुपये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये 95 रुपये का हो तो मैं ख़रीद लूँ, तो यहाँ पर मैं अलार्म की तरह इसमें एक अलर्ट सेट कर सकता हूँ। तो जब ये इतने प्राइस पर आएगा तो मुझे बता देगा, क्योंकि मैं ऐसे सारे दिन इसको ओपन करके तो बैठा नहीं रहूँगा, तो उस टाइम पर मैं उस शेयर को ख़रीद लूँगा। उसके बाद ये पास्ट ट्रेड अभी वहाँ पर भी शो रहा था, यहाँ पर भी ऑप्शन है। ऑल स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा कस्टमर, ये सारी सर्विसेज आपको हेल्प करेंगे और कस्टमर केयर का नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप इनको कॉलर्स पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से कॉल हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको कॉलिंग करनी है, और मार्केट ट्रेडिंग डेज में, मतलब कि सैटरडे और संडे को आपको कॉल नहीं करना है। नीचे इसमें रेफर एंड अर्न का ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन को रेट कर सकते हैं और स्विच अकाउंट पर जाके आप अगर एक ही मोबाइल में एक ही एप्लीकेशन में 2 IDs चलाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप किसी ID को बंद कर सकते हैं, किसी को ओपन कर सकते हैं स्विच अकाउंट वाले ऑप्शन का यूज करके। अगर आपको मोबाइल के थ्रू लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ओपन करना है तो आप यहाँ पर लॉग इन टू डेस्कटॉप करेंगे और QR कोड स्कैन करके आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद कलर्स मोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका धन एप्लीकेशन का। अब मैं यहाँ पर एक स्टॉक शेयर करता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं IRCTC ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं लाइव मार्केट में, अभी ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। मैं इधर लाइव पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से शो होगा, ये रियल टाइम का है। VWAP डेप्थ और लेजर मुझे ये यहाँ पर शो होती है, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये VWAP को देख सकते हैं। अब इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस अगर आप इस स्टॉक के लिए करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको बता रहा है, इसमें 3 आपको रेजिस्टेंस दिए हैं, 3 ही इसमें आपको सपोर्ट दिए हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 620 रुपये और ये आपको यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए गए हैं। मार्जिन का आप यूज कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में,
आपको 20% देना है, बाकी का आपको ये ब्रोकर देगा पैसा। इसके बाद आप किसी स्टॉक को प्लेज करना चाहते हैं या फिर आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का, यहाँ पर भी आप दिया गया है तो यहाँ से भी आप इसमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब इसमें दिया गया ऑप्शंस, तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन चेन को भी देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर ऑप्शन चेन को और डीप में देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन हो रही है इस स्टॉक का आज का। अब मैं इसको बैक करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है फ्यूचर्स, तो दोस्तों आप यहाँ पर फ्यूचर्स देख सकते हैं। और इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, अगर आप किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, पीई रेशियो कितना है, इंडस्ट्री पीई रेशियो कितना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में इसका एक साल का -3.26 रहा है, लेकिन एक वीक में एक प्रॉफिट में रहा है। इसके बाद शेयर होल्डिंग्स किसके पास कितनी है, तो प्रोमोटर्स ने अपने पास रखी हैं 62% और DII ने अपने पास रखी हैं 10%, FII ने अपने पास रखी हैं 7% और अदर्स जो ट्रेडर हैं उनके पास है या फिर जो इन्वेस्टर हैं 20%, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं। और भी डाटा है जो कि अभी नीचे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये यहाँ पर अवेलेबल होने लगेगा। स्मार्ट ट्रेड के अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाते हैं कि आप यहाँ पर इनका बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि फॉरएवर क्या होता है, प्राइस अलर्ट क्या होता है। इसके बाद दोस्तों ये न्यूज है IRCTC के बारे में, क्या अभी न्यूज चल रही है, तो आप यहाँ पर ये न्यूज देख सकते हैं। 24 तारीख को आई थी, 21 तारीख, 21 ये यहाँ पर डेट डली हुई है, तो टाइम टू टाइम। अब इसके बाद ये यहाँ पर NSE में आप देख रहे हैं, अगर आप इनको BSE में चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप NSE और BSE में बार बार चेंज भी कर सकते हैं। तो साथ ही अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो इसमें आपको ये यहाँ पर मार्केट डेप्थ का भी फीचर्स मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इनको जान सकते हैं, टुडे आज मार्केट किस साइड गया है, कितना हाई रहा है, कितना लो वॉल्यूम कितना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से धन में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है जिनका आप ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपकी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।